Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ashi Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 15th of July 2020 Sunday, and we are going to take today's Hindu news analysis as well as other news analysis. Okay, सिर्फ हिंदू का ही हमने सब कुछ कैरी नहीं किया है. हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन हम ऑलरेडी अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं, और आज हमने एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता तो एफएक्यू सेक्शन लिया है. उसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे, वो सारी न्यूज़ यहाँ पर कवर की है कल की. ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि हम शुरू करते हैं एक कोटेशन से, है ना. सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जस्ट कीप प्लानिंग एंड कीप ग्रोइंग. सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पहुंच गए हैं तो आप सक्सेसफुल हो गए. नो, सक्सेस इज एक जर्नी है जो होल लाइफ चलती रहती है. इस पूरी जर्नी को आपको एन्जॉय करना है, और अगर आपने ये जर्नी क्रॉस कर ली इट मीन्स आप सक्सेसफुल हो गए. उसके बाद आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक जर्नी क्रॉस कर ली इट मीन्स यू गेन दी सक्सेस. ओके, सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, चीज़ों से बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो डेफिनेटली आप किसी न किसी दिन मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे. लेकिन सक्सेस सिर्फ मंजिल पे पहुंचना नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, जर्नी को एकदम एन्जॉय करना, उसके साथ में कुछ सीखना और उसके साथ में आगे बढ़ना. ठीक है, सो डोंट एवर डिप्रेस्ड योरसेल्फ. ओके, कभी डिप्रेस नहीं होइए, आगे बढ़ते चलिए. तो आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ पाकिस्तान ऑफर्स इंडिया थर्ड कंस्यूलर एक्सेस टू कुलभूषण जाधव. पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि वो कुलभूषण जाधव को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, वो हैज़ बीन डेथ सेंटेंस बाय अ पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट. पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जिसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है. पाकिस्तान हैज़ सेंट अ नोट वर्बल मीटिंग India's demand to not have a security personnel during the meeting. जिस समय मीटिंग होगी उस समय कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं होना चाहिए. द इंफॉर्मेशन वॉज शेयर्ड बाय पाकिस्तानी फॉरन मिनिस्टर दैट इज़ शाह महमूद कुरैशी. शाह महमूद कुरैशी जो है उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि कुलभूषण जाधव जिसे कि डेथ सेंटेंस दे दिया गया आप उसे मिल सकते हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं तो कोई सिक्योरिटी पर्सनल आपके साथ में नहीं होना चाहिए. द अनाउंसमेंट केम अ डे आफ्टर पाकिस्तान ने प्रोवाइडेड इंडिया विद द सेकंड कंस्यूलर एक्सेस विथ विच डिड नॉट गो एज इंडिया हैड एक्सपेक्टेड. द मीटिंग हैड कम आफ्टर पाकिस्तान क्लेम दैट जाधव हिमसेल्फ हैड रिफ्यूज टू फाइल अ प्ली अगेंस्ट हिज कन्विक्शन. जाधव, कुलभूषण जाधव जो है उन्होंने खुद ने अपने खिलाफ जो है फाइल प्ली जो है वो करने के लिए मना कर दिया है, कन्विक्शन के लिए उन्होंने खुद ने मना कर दिया है. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एम पीज टू टेक ओथ ऑन जुलाई 2020. जुलाई 2020 को जो है न्यूली इलेक्टेड जो MPs हैं वो ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे. द न्यूली इलेक्टेड मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल बी एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑन 22nd of July. द ओथ विल बी एडमिनिस्ट्रेड इन द चैम्बर ऑफ द हाउस ड्यूरिंग इंटर सेशन फॉर फर्स्ट टाइम इंटर सेशन जो है हाउस के दौरान वहाँ पे जो है उसके चैम्बर में जो है ये ओथ ली जाएगी. द ओथ इज जनरली एडमिनिस्टर्ड टू द इलेक्टेड MPs ईदर ड्यूरिंग द सेशन और इन द चैम्बर ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के चेयरमैन के चैम्बर के अंदर या सेशन के दौरान जो है ओथ ली जाती है. ये पहली बार होगा जब जो है इंटर सेशन के वक्त जो है ये जो ओथ है वो ली जाएगी. ठीक है, इफ़ द हाउस इज़ नॉट इन सेशन. ओके, अगर हाउस, देखिए ये वैसे तो सेशन के दौरान ही होती है ओथ, लेकिन अगर सेशन नहीं है, हाउस में सेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है चेयरमैन जो होता है राज्यसभा उसके चैम्बर के अंदर ली जाती है. तो वो दोनों ही इस बार नहीं हो रहा है. इस बार जो है
इंटरसेशन के तहत ली जाएगी पहली बार, तो ये देखने को होगा कि कैसे ये सब प्रोसीड होता है इस COVID-19 के दौर में. ठीक है, द नेक्स्ट इज ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंसेस फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर किन ऑफ आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हु सकम टू कोविड इन लाइन ऑफ ड्यूटी. तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उन्होंने 17 जुलाई 2020 को एक अनाउंसमेंट किया है, मंथली पेंशन दी जाएगी उन सभी लोगों की फैमिलीज़ को जो कि आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी में वर्क कर रही हैं एंड हु सकम टू द COVID-19 वायरस ड्यूरिंग एक्टिव डिप्लॉयमेंट. जिस समय COVID-19 वायरस चल रहा है उस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए या अपनी पूरी तरीके से डेडिकेशन से खुद को जो है प्रूव करने के लिए कि हाँ वो देश के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने जिस तरह का कार्य किया है या जो कर रही हैं उन्हीं के चलते ये डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है. उड़ीसा सरकार द्वारा द स्टेट विल प्रोवाइड द स्पाउस और किन नेक्स्ट ऑफ किन of diseased Anganwadi worker who succumb to COVID-19 line of duty. जिन जो COVID-19 के दौर में जिन जो आशा वर्कर्स की या जो अपनी जान गंवा बैठी है उनकी फैमिली को या उनसे उनके हस्बैंड को जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा. हु सकम दी COVID-19 इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अंडर एक्टिव डिप्लॉयमेंट विथ 7,500 पर मंथ. हर महीने जो है 7,500 रुपये दिए जाएंगे टिल द डेट दे वुड हैव अटेंड द एज ऑफ 60. जब तक कि वो 60 एज क्रॉस एज जो है क्रॉस नहीं कर लेते. 60 साल की उम्र तक के लिए ये प्रावधान रखा गया है कि हर महीने 7,500 रुपये जो है पेंशन के रूप में दिए जाएंगे. द स्टेट विल ऑल्सो प्रोवाइड द स्पाउस और नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिजीज्ड आशा वर्कर. जिन आशा वर्कर की डेथ हुई है उनके स्पाउस या जो उनके जो भी नेक्स्ट जो हैं हु सकम टू COVID-19 इन लाइन ऑफ ड्यूटी विथ ₹5,000 एवरी मंथ टिल द डेट दे वुड हैव अटेंड द एज ऑफ 60. जब तक कि वो 60 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक जो है आंगनवाड़ी वर्कर, देखिए आंगनवाड़ी वर्कर जो है जिनकी डेथ हो गई है COVID-19 के चलते उनकी फैमिलीज़ को या उनके हस्बैंड को 7,500 रुपये पे किए जाएंगे मंथली बेसिस पर, जब तक कि वो 60 साल की उम्र को ना गेन कर ले. और इसके अलावा जो है अगर हस्बैंड या स्पाउस नहीं है तो उस कंडीशन में जो है उनकी फैमिली को ये अमाउंट पे किया जाएगा. ओके, अगर जो है 7,500 रुपये जब तक पे किए जाएंगे जब तक कि वो 60,000 के नहीं हो जाते. इसके अलावा जो आशा वर्कर्स हैं उनको, जो आशा वर्कर डिजीज हो चुके हैं उनके जो है अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे हर महीने उनके हस्बैंड या व्हाटएवर जो भी नेक्स्ट होंगे उनको 5,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे. और ये तब तक किया जाएगा जब तक कि वो 60 वर्ष की उम्र नहीं गेन कर लेते. ठीक है, तो ये सरकार का अपने आप में उड़ीसा सरकार का एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि COVID-19 के चलते काफ़ी अच्छा रोल जो है आशा वर्कर्स का या हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का देखा गया है. सो इट इज़ अ गुड डिसीजन ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट. द नेक्स्ट इज इंडिया रिकॉर्ड्स द लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी. UN की रिपोर्ट आई है जिसके तहत इंडिया के अंदर जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के चलते जो है लार्जेस्ट रिडक्शन देखने को मिला है. और 273 मिलियन पीपल जो है मूव आउट कर चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के चलते. एंड बिटवीन 2005 से 6 से लगाकर और 15-16 तक के बीच का डेटा है ये, UN की रिपोर्ट है. दैट इज़ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स कहा जाता है इसे, दैट इज़ MPI. द रिपोर्ट नोटेड दैट इंडिया रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कैटेगरी. जो इस कैटेगरी में पुअर्टी की कैटेगरी में रह रहे हैं उनके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है उनके डेटा में. द डेटा वॉज रिलीज बाय द UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दैट इज़ OPHI. इनके द्वारा जो है ये डेटा रिलीज किया जाता है और उसी के चलते ये देखा गया है कि इंडिया ने लार्जेस्ट रिडक्शन जो है नंबर के अंदर देखा जो फेस किया है और पुअर्टी को ओवरकम करने की कोशिश की गई है.
द डेटा शोज दैट 65 आउट ऑफ 75 कंट्रीज स्टडीड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर 65 कंट्रीज जो है 75 कंट्रीज को एनालाइज किया गया था, उनके डेटा को एनालाइज किया गया था, जिसमें से करीब 65 कंट्रीज जो है उन्हें मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी लेवल्स के बीच 2000 से लेकर 19 के बीच में जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिली है. मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी मीन्स डिफरेंट डिप्रिवेशंस फेस्ड बाय द पुअर सच एज इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स, पुअर हेल्थ. अभी मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या क्या जो है एरिया सम्मिलित किए जाते हैं, किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, तो जैसे देखिए इस तरह की पुअर्टी के अंदर जो है जनरली लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड किया जाता है, पुअर हेल्थ इंक्लूड की जाती है, लैक ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड किया जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्लूड किया जाता है, थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड द लिविंग इन एरियाज दैट आर एनवायरमेंटली हैजार्डस. तो फिर ये सारी चीज़ों को जिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में लाया जाता है उसके तहत मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी कोर्स जो है कंडक्ट किया जाता है, इसके बारे में पता लगाया जाता है. मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी का मतलब है कि इन सारे एरियाज के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड या हेल्थ, पुअर हेल्थ को ले लीजिए, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क या थ्रेट ऑफ वायलेंस, इन सारी चीज़ों एनवायरमेंटली हैजार्डस जो एटमॉस्फेयर होता है, एरियाज हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी में आती. तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी के अंदर जहाँ पे जो 75 कंट्रीज को एनालाइज इवेल्यूएट किया गया था 2005 से 5-6 से लगा करके 15-16 तक का डेटा है ये, उसके तहत जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इंडिया में देखने को मिला है. लार्जेस्ट रिडक्शन जो है पुअर्टी का वो इंडिया में देखने को मिला है, ये यूएन की रिपोर्ट बताती है. ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं द हिंदू एडिटोरियल. देखिए अभी तक तो जो हमने लिया वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे. ठीक है, वो द हिंदू से नहीं लिए गए हैं, लेकिन सारे न्यूज़ आर्टिकल है जो कि कल की डेट के सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. अब हम बात करेंगे FAQs की, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता है इस जो आज का जो न्यूज़पेपर होता है संडे का, उसमें हमेशा न्यूज़पेपर के अंदर FAQ सेक्शन आता है. जो सिविल्स एस्पिरेंट है या जो डेली न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो है ये FAQ वाला सेक्शन कैरी करता है. ठीक है, सो तो आज का जो फर्स्ट जो आर्टिकल है द हिंदू का वो है व्हाई इज़ इंडिया आउट ऑफ चबाहार प्रोजेक्ट. देखिए चबाहार रेल प्रोजेक्ट जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, जो ईरान का, ईरान ने हमें किकआउट कर दिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से. क्यों इंडिया इससे बाहर हुआ है, क्या हम फिर से बाद में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इशू हमारा ईरान के साथ में हुआ है या चाइना के साथ में इसका क्या कोई लिंक है या नहीं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया है. आफ्टर थ्रेट्स एंड अपील्स टू इंडियन, ईरान सेड इट वॉज मूविंग अहेड टू बिल्ड द चबाहार ज़हेदन लाइन ऑन इट्स ओन विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेटली डॉलर 400 मिलियन फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट फंड ऑफ इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान. जब हमने जो है डर ले लीजिए इससे बाहर निकलने के बाद में, जो है इस प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद में, जब इंडिया ने क्वेश्चन पुट अप किया कि उन्हें क्यों बाहर किया गया, उस समय ईरान के द्वारा ये एक्सक्यूज़ दिया गया कि चबाहार जो ज़हेदन और चबाहार लाइन प्रोजेक्ट है ये बेसिकली हम लोग खुद जो है इसे डेवलप करेंगे और हम लोग करेंगे NDF जो है इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान, मतलब हमारी सरकार की जो NDF है दैट इज़ नेशनल डेवलपमेंट फंड, उससे मिलने वाले $400 मिलियन जो है अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलेंगे और उसी के तहत हम इस पर खुद कार्य करेंगे. इसीलिए जो है इन्होंने हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया है, या हमारा जो कंट्रीब्यूशन है या हमारा जो अस्तित्व है उसे यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की गई है. ठीक है, द इनाग्रेशन ऑफ अ ट्रैक लिंक प्रोजेक्ट फ्रॉम ईरान चबाहार प्रोजेक्ट पोर्ट टू चहेदर on the border with Afghanistan on July 7 has ensured that Chabahar, that is which literally means four seasons, है ना, Chabahar that is चार जो बहार आती है, मतलब four seasons जो होते हैं उनके नाम पर इसे रखा गया है. उसका construction जो था वो overall finish शायद होने वाला है. And fate of India's investment there, the port
देखिए इंडिया ने भी अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ शो किया है और इन्वेस्टमेंट रहा है इंडिया का भी और काफ़ी सपोर्ट भी इंडिया का रहा है, लेकिन अब जो है हमें ईरान ने इससे बाहर कर दिया है, ईरान ने जो है हमें इसमें सम्मिलित करने से मना कर दिया है। अब इसका रीज़न क्या है? बेसिकली देखिए ईरान का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे रिपब्लिकन ऑफ ईरान जो है, जो हमें इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान जो है वो हमें फंडिंग करेगा, उस फंडिंग के चलते हम स्वयं इस पर कार्य करना चाहेंगे, वी डोंट नीड एनी वन टू गिव अस सपोर्ट। ओके हैज़ इंडिया लॉस्ट? अब क्या इंडिया ने जो है चबाहर के साथ में, चबाहर के थ्रू जो है अपना और चाइना के बीच के रिलेशनशिप्स को या अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के बीच अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दिया है? क्या इससे कहीं ना कहीं इंडिया के अस्तित्व पे कोई प्रभाव पड़ा है? तो ये सारी चीज़ें देखने की है कि क्या वास्तव में द लार्जेस्ट वरी इज़ दैट चबाहर द एंड्योरिंग सिंबल ऑफ इंडिया ईरान फ्रेंडशिप। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से ये विश्व स्तर पर सम्मिलित मैटर हो चुका था कि इंडिया और जो ईरान है उसके बीच में काफ़ी अच्छे संबंध, दोस्ताना संबंध इस चबाहर प्रोजेक्ट के तहत दिख रहे थे, और अब ये प्रोजेक्ट का इस तरीके से रिएक्ट करना या प्रोजेक्ट ओनर्स का इस तरीके से रिएक्ट करना, वहाँ की सरकार का इस तरीके से रिएक्ट करना अपने आप में इंडिया के लिए जो है एक टेंशन की वजह बन गई है, और ये शो करती है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स तो देखने को मिल रहे हैं, और वो चीज़ें अब चाइना की वजह से है या अदर कंट्रीज़ के हम नहीं जानते, बट यस जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो इश्यूज़ हैं वो हमें क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दी चबाहर रेल प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्ली बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क? प्ली बार्गेनिंग क्या है और ये कैसे कार्य करती है? मैनी मेम्बर्स ऑफ तबलीगी जमात बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कंट्री, आपको पता होगा तबलीगी जमात के चलते जो है काफ़ी दूसरी दूसरी कंट्रीज से जो लोग आए थे उन सभी ने जो है उन सभी को रिलीज़ कर दिया गया है कोर्ट केस के तहत रिसेंट डेज में, जिसके अंदर प्री बार्गेनिंग की बात की गई है, प्री बार्गेनिंग वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड अक्यूज ऑफ वायलेटिंग वीज़ा कंडीशन बाय अटेंडिंग अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन इन दिल्ली, दीज फॉरन नेशनल्स हैव वॉकड फ्री आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी टू माइनर। देखिए ये बेसिकली क्या है, प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग का मतलब है एक ऐसा बार्गेन ऑफर जिसके तहत आप सरकार को ये बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ को लेकर खेद है और हम आपसे इसकी जो है माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो यही जो है अभी रिसेंटली जो आया है, हम कह सकते हैं तबलीगी जमात जो थी उसके अंदर जो लोग बाहर से सम्मिलित हुए थे, हमें पता भी है पिछले दिनों, हमने कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ भी देखी थी कि काफ़ी बाहर के लोग हैं जिन्हें कैद किया हुआ है, नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि उनके पास जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, वो गलत वीज़ाज के ऊपर जो है यहाँ पर यात्रा कर रहे थे और उनके वीज़ाज में काफ़ी प्रॉब्लम मिली है, उनके जो पूरा प्रोसीजर है यहाँ आने का और यहाँ पे तबलीगी जमात को ज्वाइन करने का उसमें गड़बड़ें देखने को मिली है, या हम कह सकते हैं कि कुछ गलत चीज़ें देखने को मिली है जिसके चलते सरकार ने उन्हें वापस जाने की या भेजने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब जो है प्ली बार्गेन लगाने के बाद में, इट मीन्स माफ़ी या क्षमा याचना के बाद में फाइनली सरकार ने उन्हें जो है इस चीज़ के लिए अनुमति दे दी है, और ये जो अनुमति है ये बेसिकली प्ली बार्गेनिंग के तहत दी गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्ली बार्गेनिंग, एंड इफ़ यू विल गो थ्रू द होल आर्टिकल यू विल गेट इट कि कैसे ये कार्य करता है, इसके तहत क्या क्या स्कीम्स है प्ली बार्गेनिंग के तहत, और कब कब इसका, क्या हर गलत चीज़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से समझ में आ जाएगी। ठीक है, डू कोर्ट्स हैव रिजर्वेशंस, क्या कोर्ट में भी ऐसे केसेस को लेकर कोई रिजर्वेशन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगी, एंड यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड अगर तबलीगी जमात से रिलेटेड रिसेंट इशू है प्ली बार्गेनिंग, और प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसके सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में कि ये चीज़ क्या है और कैसे कार्य करती है। अब देखिए पूरा आर्टिकल एक एक लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद भी हमारे पास में सिर्फ 40-45 मिनट्स में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर लेते हैं, उसके बाद में अगर मैं आपको एक एक लाइन कवर करके बताने लगूँ तो प्रोबेबली हम कल तक एक ही एनालिसिस ले पाएंगे, वो भी
4-5 घंटे का एक एनालिसिस जो आप देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि देखिए मैं मैक्सिमम लेवल पे कवर कर लेती हूँ कि ये ऐसा आर्टिकल है और इससे रिलेटेड ये चीज़ें आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग जाता है कि कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहीं पर कुछ आर्टिकल्स में कुछ नया करने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस आर्टिकल को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली तबलीगी जमात वाला मैटर रहा है और तबलीगी जमात जो रिसेंट मैटर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन में अपने आप में प्ली बार्गेनिंग एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड को कैसे यूज़ लिया जाएगा, इस पर कैसे कार्य किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी इस आर्टिकल में डिस्कस कर रखी है, सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग अनदर थिंग्स, जस्ट आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए क्योंकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट इस आर्टिकल से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हु ड्रॉज अप द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस, किसने जो है CBSE का जो सिलेबस है उसे जो है सेकेंडरी एजुकेशन का उसे फॉर्म किया है, किसने उसे ड्रॉप किया है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द 30% सिलेबस रिडक्शन दिस ईयर। आपको पता होगा कि रिसेंटली एक प्रोविज़न आया है, एक जो अनाउंसमेंट हुआ है सरकार द्वारा कि जो CBSE का सिलेबस है उसे 30% तक या 30% तक जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिडक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका क्या रीज़न है, किसने ऐसा फॉर्म किया है और ऐसा करने से आने वाले वक्त में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। विद इन द COVID-19 पेंडेमिक कीपिंग स्टूडेंट्स आउट ऑफ क्लासरूम्स, ऑलरेडी COVID-19 के चलते क्लासरूम से बाहर है स्टूडेंट्स, अभी उन्हें काफ़ी फोर्स किया जा रहा है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन गेन करें। रिड्यूसिंग टीचिंग टाइम भी रिड्यूस करने की बात की जा रही है, उसी के साथ में CBSE के अंदर जो है 2021 के तहत सिलेबस में से 30% जो है रिडक्शन या कट शॉर्ट करने का डिसाइड किया गया है। ये 9th से 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा जो CBSE स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या मैटर करता है, इसके रेशनल्स क्या होंगे एंड क्या किन मापदंडों के आधार पर ये फैसला लिया गया है, क्या जो है ओवरऑल क्यूरिकुलम कंपाइलेशन क्या है इसका, या फिर आने वाले टाइम में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, या हाउ डज दिस इन्फॉर्म द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस को कैसे प्रभावित करती है या इन्फॉर्म करती है ये चीज़, वो सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। टीचर्स से दैट गिवन द टाइम क्रंच एग्जेबरेटेड बाय COVID-19, इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट टॉपिक्स विच विल नॉट बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन विल बी टॉट इन द क्लासरूम इवन इन अ रेगुलर ईयर। देखिए बेसिकली टीचर्स का, अभी जितने टीचर्स से इवन मैं पर्सनली भी मिली हूँ, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है टीचर्स को ये लगता है कि ये डिसीज़न गलत नहीं है और ये डिसीज़न लेने का सबसे बड़ा कारण है COVID-19। COVID-19 के चलते है जो ऑलरेडी इस समय तक जहाँ पे बच्चों के फर्स्ट असेसमेंट्स कंडक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हो जाते हैं, वहीं पे बच्चों के फर्दर जो है स्टडीज़ भी स्टार्ट नहीं हुई अब तक COVID-19। और हमें ये भी नहीं पता कि जो केसेस पीक पर चल रहे हैं, जो डेली बेसिस पे स्पाइक अप कर रहे हैं केसेस, उनको कंट्रोल में लाने के लिए कितना वक्त लग जाएगा और वापस नॉर्मलसी आते आते और स्कूल स्टार्ट होते होते कितना समय लग जाएगा, ये सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो इस पर कार्य करेंगी और 30% तक जो सिलेबस है CBSE का उसे एक बार रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये डिसीज़न अभी हाल फिलहाल तक तो इसी साल के तक के लिए लिया गया है, देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार क्या डिसीजंस लेती है और किस हद तक ये प्रॉफिटेबल होता है, या ये जो सिस्टम है, ये जो डिसीज़न लिया गया है 30% रिडक्शन का, ये कहाँ तक मान्य है या किस तरीके से सरकार इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकती है। देखिए अगर पर्सनली मैं मेरे व्यूज़ अगर शेयर करती हूँ, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन मेरे व्यूज़ क्योंकि मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये जो पूरा कंडीशन है, ये जो सिचुएशन अभी COVID-19 की चल रही है, उसके चलते ये कोई गलत डिसीज़न मुझे नहीं लगता लिया गया, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि COVID-19 के चलते ऑलरेडी स्कूल्स तक स्टार्ट नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही है बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो यूज टू नहीं है इन चीज़ों के, टेक्नोलॉजी बेसिस पर इतने इतने घंटे तक वीडियोज़ देखना, उन्हें रिस्पॉन्ड करना,
कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है पॉजिटिवली जो है एक साइन नहीं क्रिएट कर रहा है, या हम कह सकते हैं नहीं दिखाई दे रहा हमें कि बच्चे जो है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेसिस पर वो परफॉर्म कर भी पा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं जो है क्लियर करने के लिए ही इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो बच्चों को हेल्प कर सके कि वो कम से कम बर्डन के साथ में अच्छे से परफॉर्म कर सके इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और पेंडेमिक। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट इज़ सोरियसिस ड्रग इन COVID-19 थेरेपी। COVID-19 की थेरेपी के अंदर जो सोरियसिस ड्रग यूज़ लिया जा रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। Why are monoclonal antibodies being used to treat patients with SARS-CoV-19? जो SARS-CoV-19 के पेशेंट हैं उनको ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्यों उससे कुछ फ़ायदा देखने को मिल रहा है या नहीं। और इटोलिजुमाब इज़ एन इम्प्रूवड ड्रग फॉर एक्यूट सोरियसिस सिंस 2013 एंड Experts have pointed out that its efficacy in treating COVID-19 caused acute respiratory disease syndrome has not been conclusively demonstrated जो है demonstrated नहीं देखा गया है इससे खास COVID-19 पर जो उसका treatment है उसको बहुत ज़्यादा effective नहीं देखा गया है, लेकिन इस therapy में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो किस हद तक या किस level तक ये जो है treatment में useful है या treatment में अच्छे से काम आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो आर्टिकल है ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हमने जो है इसकी जो हम कह सकते हैं इटोलिजुमाब या जो रिसेंट कुछ दिनों पहले जो हमने इसके बारे में ड्रग्स को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है COVID-19 के और दवाई को लेकर, दवाई जो बनानी है, थेरेपी जो यूज़ लेनी है उसके लिए जो ड्रग्स यूज लिए जा रहे हैं वो कहाँ तक किस हद तक काम में आ रहे हैं, किस हद तक जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में दी गई है। स्पेशली यहाँ पे सोरियासिस को डिस्कस किया गया है, ये एक ड्रग है जिसे COVID-19 में थेरेपी के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। मुझे लगता है कि सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए हैं। ये FAQ उसको पूरा तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं, देखिए आपको ये डाउट होगा, कुछ बच्चों को होता है, मेरे पास क्वेरी भी आई थी कि मैम आप एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिए अगर मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ तो एक वीडियो में मैक्सिमम मैं मान के चलती हूँ दो या तीन वीडियो, तीन तो बहुत दूर की बात है, दो वीडियो जो है उससे ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम सिर्फ दो वीडियो ही लीजिए, लेकिन वही लीजिए, उसे लॉन्ग वे में लीजिए, आप लंबा हमें डिस्कशन चाहिए, तो मैं वो भी लेने को रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा इस तरीके से लेने का जो ये प्रोसीजर मैं फॉलो कर रही हूँ, इसको लेने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि आपका न्यूज़ सेशन भी कवर हो जाए, जो कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपकी कवर हो जाए, उसी के साथ में आपका वो सेक्शन क्लियर हो जाए जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करता है। अब देखिए डाउट्स इन शॉर्ट मैं सारे क्लियर कर दिया करती हूँ, जितना हो सकता है उतना आर्टिकल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, FAQ से रिलेटेड है चाहे कोई भी रिलेवेंट जो आर्टिकल है उसे मैं यहाँ से ईजिली एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन अब आगे उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके बारे में पढ़ना, द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना और फिर कंक्लूजन निकालना, ये सारा आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा। बिकॉज आपको एक ब्रीफ जो है, ये हम कह सकते हैं इन शॉर्ट मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बट स्टिल जो फुल नॉलेज है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा वो आपको खुद से पढ़ने पर ही समझ में आएगा। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू रीड द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस और न्यूज़पेपर। एंड इसके अलावा जो ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स है जो हमने डिस्कस किए हैं वो द हिंदू के नहीं हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कल की न्यूज़ बन जाती है 18 जुलाई की, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है जो हम यहाँ नहीं ले पाए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू लाइक दैट। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन एंड ऑल्सो कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको कैसा लग रहा है या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड थैंक्स फॉर बींग विथ मी, ऑलवेज सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। कल फिर हम मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में और कुछ नया लेकर के। ठीक है, सो आप
हमेशा जुड़े रहिए अचीव आईएएस से। अचीव आईएएस आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ अच्छा प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा जो हमारा पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल अचीव आईएएस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उस पर अवेलेबल हो जाएगा। और भी कोई क्वेरीज़ या क्वेश्चंस जो है या क्विजेज जो हैं वो हमारे वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं, जिससे कि आपका सारा जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। और अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह जाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, सी यू टुमारो।